वेलकम स्टूडेंट, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू। बैलेंस शीट के हमें पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक है एसेट्स एक है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज और एसेट्स पार्ट दो पार्ट में हमें यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फॉर्मेट हमें वैसे ही बनाना है, पार्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज अमाउंट एंड परसेंटेज मैं एक साथ आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा आपको न्यूमेरिकल यहाँ नोट किया हुआ है। पर आपको ये फाइव कॉलम से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एसेट्स का हम कॉमन साइज निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे लायबिलिटीज का। तो एसेट्स साइड जो हमारे पास एसेट्स दी हुई है, तो एसेट्स में हमें ये समझना जरूरी होता है कि कौन सी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स हैं, कौन सी हमारी फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे पास रहने वाली है, और करंट एसेट्स विद इन वन और टू इयर्स में फिनिश होंगी हमारी। तो जो फिक्स एसेट्स है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। तो जो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग है वो 80,000 की है। 80,000, प्लीज आप फॉर्मूला नोट कीजिए, 80,000 इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। कोई भी एसेट्स होगी हम उसको बेस किसको लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टोटल एसेट्स को। ठीक है, हो सकता है ये हमारे पास टू इयर्स का डेटा हो सकता है दो कंपनी का डेटा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि टोटल एसेट्स को या टोटल लायबिलिटीज को ही बेस लेंगे। तो हम यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक्स लिमिटेड है का डेटा है हमारे पास और ये वाई लिमिटेड का है। तो अभी हम एक्स लिमिटेड के लिए कॉमन साइज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट में हमने इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स अमाउंट लिखा। ओके, नाउ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में भी हमने सेम किया, टोटल अमाउंट इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट, तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल फिक्स एसेट्स के लिए भी हम क्या करेंगे कि जो अमाउंट हमारा दोनों फिक्स एसेट का आया है उसमें इनटू अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, ये टोटल फिक्स एसेट है और हम क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स को अपॉन में कर रहे हैं, तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ फिक्स एसेट्स हमारी समझ में आ गया है कि जो भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है एसेट्स वो हमारी लॉन्ग फिक्स एसेट है। शॉर्ट के लिए क्या टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हमने क्या रखा है वो हमारी करंट एसेट्स है। तो जो हमारे पर 1000 है, 1000 इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आज हमने इन्वेंट्री स्टॉक करके रखा है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर सेल आउट कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। तो हम इसमें 10,000 इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। बुक डेप्ट, बुक डेप्ट है, डेटर्स जो हमारे हैं उनको हमने 4,000 इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स, देन परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमें करने थे, हमने अभी करंट ईयर में नहीं करने थे और हमने कर दिए हैं, वो हमारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए। तो वो 1000 के इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। देन कैश एंड बुक 8000 का है हमारे पास, 8000 हमारे पास है, उसको इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। इसी तरीके से टोटल हमने जो करंट एसेट्स है उसका टोटल लगाया, 24,000 आया, इसको इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। हमारी जो टोटल एसेट्स है 4,38,000, इसको हमने बेस मानकर ये परसेंटेज को कैलकुलेट किया। ओके, ये हमारा एक्स लिमिटेड के लिए होगा। सेम हम जो अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है वाई लिमिटेड के लिए, हम वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अडॉप्ट करेंगे कि जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग को में इंटू करेंगे हम 100 का अपॉन कर देंगे टोटल एसेट्स का। प्लांट एंड मशीनरी में भी जो अमाउंट है उसमें इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स। तो सेम करंट एसेट्स की भी सभी का हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्म ऑफ परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा। कॉमन साइज के लिए हम क्या करते हैं, पहले परसेंटेज निकालते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो एनालिसिस करना है हमें कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास टोटल एसेट्स क्या है, हमारे पास करंट एसेट्स क्या है, उनको हम इजीली देख पाएंगे परसेंटेज में। एक कॉमन हमने निकाल। सेम हम कहां करेंगे, लायबिलिटीज में करेंगे। लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे बड़ी लायबिलिटीज होती है शेयर कैपिटल की। जो हमारी कैपिटल है इज द बिगेस्ट लायबिलिटीज फॉर अस। कैपिटल हमारे प्रेफरेंशियल शेयर्स
कितने हमारे पास 1,20,000 है इनटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है 4,38,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे। इक्विटी शेयर जिनको हम डिविडेंड इक्वली डिवाइड करते हैं 1,50,000 उसको इनटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज। सेम रिजर्व एंड सरप्लस ऐसा अमाउंट जो हमने रखा है रिजर्व कर कर कि इन फ्यूचर अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसे यूज कर लेंगे, उसमें 14,000 इंटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज। तो हमारे पास इस तरीके से ये परसेंटेज आ जाए। सेम टोटल जो कैपिटल है हमारी, इस टोटल को हमने टोटल लगाया इंटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज से ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली। देन लॉन्ग टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती है। हमारे पास कितने का लोन है, हमारे पास है 1,15,000 का इंटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज, तो ये परसेंटेज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये टू कैटेगरीज में अभी हम मैंने आपको बताया कि कैपिटल, अगर हमारे पास शेयर कैपिटल है तो उसको कैसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन को हमने कैटेगराइज किया। नाउ इज करंट लायबिलिटीज, जैसे करंट एसेट्स होती है इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज होती है। करंट एसेट्स को हमें 1 ईयर या 2 ईयर्स में एसेट्स हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज हमारी हमें विदिन 1 या 2 ईयर्स में फुलफिल करनी होती है, उसको खत्म करना होता है। बिल्स पेबल, कि हमने बिल्स पेबल हम पर जो लिखे हुए हैं दिए हुए हमें उनका पेमेंट करना होगा, 12,000 है, 12,000 इंटू 100 अपॉन 4,38,000। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर हम समझते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में परचेस कर रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमें करंट ईयर में एक्सपेंसेस करने थे पर हमने नहीं किए हैं, उनको हमने लायबिलिटीज में किया है। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड अभी हमने दिया नहीं है, प्रपोज करके रखा है, इस अमाउंट को हमें देना है, ये हमारी लायबिलिटीज है। तो 10,000 इंटू 100 अपॉन टोटल लायबिलिटीज, इस तरीके से जो हमारी करंट टोटल करंट लायबिलिटीज जो है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया टोटल करंट लायबिलिटीज का, एंड टोटल लायबिलिटीज का परसेंटेज 100 ही आएगा क्योंकि हम अपॉन में लेंगे तो 100 ही आना है हमारे पास। ये हमने एक्स लिमिटेड के लिए किया, सेम हम किसके लिए करेंगे, वाई लिमिटेड के लिए। Y लिमिटेड के लिए भी हमने सेम वही किया, शेयर कैपिटल जो हमारे पास है, शेयर कैपिटल 1,60,000 इनटू 100 अपॉन टोटल अमाउंट 8,08,000, परसेंटेज हमारे पास आ गया। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के लिए भी हम क्या करेंगे, 4 लाख इनटू 100 अपॉन 8,08,000 हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से सबका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, और परसेंटेज कैलकुलेट करने में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हम जो भी आइटम का निकाल रहे हैं या हेड का निकाल रहे हैं वो हेड इनटू 100 अपॉन टोटल, मींस एसेट का निकालेंगे तो टोटल एसेट्स, अगर लायबिलिटीज का निकालेंगे तो लायबिलिटीज का टोटल हम बेस लेंगे। फिर परसेंटेज में हम देख सकते हैं कि हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट जो बनकर तैयार हो गया है, तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे परसेंटेज में क्या है, कितना चेंजेस है, कितने परसेंटेज हमने यूज किया है। यहाँ हम जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का देख सकते हैं कि एक्स लिमिटेड ने 80.26% लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, जबकि वाई लिमिटेड ने 15.22% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सेम प्लांट एंड मशीनरी में इन्होंने 76% इनका है जबकि यहाँ पर 74 है। इस तरीके से हम हर एक का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये एक एनालिसिस है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या हमने जिस तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज में एक्सपेंस किया हुआ है या इनकम हमारी है कि हमने परचेस करके रखा है कुछ एसेट्स, वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे एक बार आप कर देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।